राइट डाउन। सबसे पहले आपने प्रेपरेशन लिखो अल्कोहल की, प्रेपरेशन जो इंपॉर्टेंट है, प्रेपरेशन ऑफ अल्कोहल। अब आपने प्रिपरेशन में क्या लिखना है, सबसे इंपॉर्टेंट दो रिएक्शन, सबसे पहले हाइड्रेशन ऑफ एल्को, हाइड्रेशन एंड हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ये दोनों प्रिपरेशन किससे होती हैं, ये एल्कीन से होती हैं, ठीक है। इन दोनों प्रिपरेशन में क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा। इन हाइड्रेशन किस, कौन सा अल्कोहल बनता है अकॉर्डिंग टू मार्कोनी कॉफल, क्या होता है मार्कोनी कॉफल? मान लो मैं, आपके पास प्रोपीन है, राइट डाउन, प्रोपीन है, राइट डाउन, प्रोपीन है, और मैं बोलूं इसमें वाटर डालना है, वाटर, ठीक है। अब वाटर का एक नेगेटिव पार्ट है OH नेगेटिव, एक पॉजिटिव पार्ट है एच पॉजिटिव, है। अब नेगेटिव पार्ट अगर ये एल्कीन, देखो ये एल्कीन है आपके पास, आपने ये वाला डबल बॉन्ड के अराउंड कम ज्यादा देखने हैं, ये वाला कुछ कार्बन नहीं देखना आसपास, जब हमने ऐड होता है दैट इज अनसेचुरेटेड पॉइंट पे ऐड होता है, ना कि सेचुरेटेड पॉइंट पे कुछ ऐड होता है, समझ आ रही है। डबल बॉन्ड के अराउंड आपने ऐड करना है। अब इसको आप, हम आपको ऐसे भी बना के दे सकते हैं, जैसे ये है, ये है, अब इस पे ऐड करो, ठीक है, समझ आ रही है। कुछ भी बना के दे सकते हैं आप, कुछ चेंज ही करना है हमने, ठीक है। अब ये मॉलिक्यूल आ गया, मान लो पहले तो इस मॉलिक्यूल का समझो, इस मॉलिक्यूल में ये डबल बॉन्ड नजर आ रहा है, हमने इसको नहीं छेड़ना, ये हमारा कोई अनसेचुरेटेड पॉइंट नहीं है, ये सैचुरेटेड है, इसमें हाइड्रोजन ऑलरेडी ऐड है, ठीक है। अब वाटर है, वाटर के दो पार्ट्स हैं, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है। जो सिंपल हाइड्रेशन होती है वो वाटर ऐड करना किसकी प्रेजेंस में, सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में होती है, सिंपल जो हम ऐड करते हैं, उसमें नेगेटिव पार्ट वहां जाता है जहां पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, मींस OH यहां पे जाएगा, H यहां पे जाएगा, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा आपका, प्रोपेन टू ऑल। समझ आई ये बात, आपने ये नहीं उठाने बैठ जाना। मान लो मैं यहां पे एक कार्बन दिखा दूं, फॉर एग्जांपल यहां पे, ऐसे कंफ्यूज करेंगे आपको एग्जाम में, ये मॉलिक्यूल दे देंगे, अब इसकी हाइड्रेशन करवाओ। हाइड्रेशन के लिए हमने सिर्फ ये ग्रुप देखना है, हमने ये तो नहीं देखना कि साइड पे क्या लगा हुआ है, ऊपर नीचे कुछ नहीं देखना, ठीक है। हाँ, स्टेबिलिटी कार्बोकेटाइन की बन रही हो तब हम कुछ कर सकते हैं, तब अलग बात है। अब पहले ये ग्रुप देखो, इसमें कैसे ऐड करोगे, सोचो आप ये, हाँ तो क्या, कहाँ OH लगाओगे, इस तरफ लगाओगे या यहाँ पे लगाओगे, साइक्लोहेक्सेन बेंजीन में तो अनसेचुरेशन आ जाती है। हाँ तो ये कार्बन है, देखो ये कार्बन पे, यहाँ पे एक कार्बन लगी हुई है, एक यहाँ पे कार्बन लगी हुई है, यहाँ पे दो बॉन्ड लगे हुए, इसका मतलब इसके पास हाइड्रोजन है ही नहीं, तो हाइड्रोजन कम किसके पास है, इसके पास है, इसके पास हाइड्रोजन है, तो आपने OH नेगेटिव कहाँ भेजना है, जहां पे लेसर नंबर ऑफ है, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा OH, और यहाँ पे क्या आ जाएगा H, क्योंकि आपको सिंपल मॉलिक्यूल्स नहीं आने, इन्होंने मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट कर देने हैं, तब आपका दिमाग ये चलना चाहिए कि हमने एडिशन कहाँ करनी है, हमने एडिशन वहां करनी है जहां पे हमें कम हाइड्रोजन नजर आ रहे हो या आ ही ना रहे हो, ठीक है। अब ये आपको लिख के नहीं देंगे कि हाइड्रोजन पहले लिखे हैं यहाँ पे, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, इसका मतलब कार्बन की वैलेंसी क्या है, 4, तो 1-2 लाइंस ये रही, 1-2 लाइंस ये रही, टोटल 4 लाइंस है, इसका मतलब इस पे हाइड्रोजन नहीं है, समझ आ रही है, इसका मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, तो हम OH नेगेटिव कहाँ भेजेंगे, जहां पे हाइड्रोजन नहीं होगा वहां पे नहीं भेजेंगे, जहां पे हाइड्रोजन है, समझ आ गई।
अब हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में क्या होता है? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन एंटी मार्कोनिक रूल से चलती है, ठीक है। अगर आपके पास प्रोपीन होगी तो अब आप क्या लगाओगे, प्रोपे क्या प्रोडक्ट बनाओगे अगेन? हाँ, अब जब हम बोलते हैं ना एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल, इसका मतलब अब हमने अगर वाटर डालना है ना इसमें, तो हम कैसे डालेंगे? वहां पे भेजेंगे जहां पे मोर नंबर ऑफ एच है। इसका अगर हम रिएजेंट की बात करें हाइड्रो, अब एरो के ऊपर क्या, या तो सीधा लिखा होता है प्रोपीन अंडरगो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, सीधा रिएजेंट का बोला ही नहीं जाता। तो आपके पास प्रोपीन है, तो प्रोपीन आपने ऐसे बना के देख लेनी है, हाँ जी ये प्रोपीन है हमारी, ठीक है। अब जब हमने सिंपल हाइड्रेशन करी तो OH यहाँ पे भेजा, अब जब ये करनी है तो OH यहाँ पे भेजना, वहां पे भेजना है जहां पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे। अच्छा, अब ये वाला मॉलिक्यूल जैसे मैंने पहले बनाया ये वाला, तो इसमें कहाँ पे भेजोगे? अब CH2 पे OH भेजोगे, समझ आ रही है? अब इसका रिएजेंट क्या होता है? BH3, ठीक है, या तो BH3 लिखा आएगा या B2H6 लिखा आएगा, क्योंकि BH3 अकेला एग्जिस्ट नहीं करता, ये डाइबोरेन की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। फर्स्ट स्टेप में आपको ये भी लिख सकते हैं, अप्रोपीन इज ट्रीटेड विद डाइबोरेन, अप्रोपीन इज ट्रीटेड विद बोरोहाइड्राइड। सेकंड स्टेप में क्या होता है, इसको OH नेगेटिव और H2O2 की प्रेजेंस में किया जाता है, तब आपका रिजल्ट क्या होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। डायरेक्ट नहीं कोई पूछता आपको व्हेन दिस इज रिट्रैक्टेड टू दिस, तो आपको पता होना चाहिए सिंपल हाइड्रेशन करने से हमने नेगेटिव चीज कहाँ पहुंचानी है, जहां पे लेसन नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। अगर हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन से प्रिपेयर कर रहे हैं तब कहाँ पे पहुंचानी है, जहां पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, समझ आ गई? इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट, राइट डाउन, हम रिडक्शन कर सकते हैं एल्डिहाइड के टोन्स की, हम क्या कर सकते हैं रिडक्शन। तो आपको रिड्यूसिंग एजेंट पता होने चाहिए, आपको रिड्यूसिंग एजेंट ही नहीं पता होते, लिथियम बोरो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, सो जिसके पीछे हाइड्राइड लगे H4 लगाओ, ठीक है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ये होता है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये दोनों रिड्यूसिंग एजेंट है। इसके अलावा रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट्स, निकल प्लेटिनम या पैलाडियम, ये तीन भी रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, और साथ में हम हाइड्रोजन करते हो, समझ आ रही है? साथ में आप हाइड्रोजन करते हो। अगर हम ऑर्गेनिक में ज्यादातर ये नेम सुनोगे एज रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड एंड सोडियम बोरोहाइड्राइड। अगर आपकी कोई भी एल्डिहाइड, कार्बेनाइल कंपाउंड क्या होता है, एल्डिहाइड कीटोन या कार्बोक्सिलिक एसिड, सी डबल बॉन्ड ओ है, मान लो मैंने क्या लिया है, ये लिया है, कौन सा एल्डिहाइड है, पहले तो नेमिंग पता होनी चाहिए, क्योंकि वहां पे नेम थोड़ी ना बताएंगे आपको। अब इसका कॉमन नेम है एसिटाल्डिहाइड, IUPAC नेम है इथेनॉल। अगर आपको बोल रहा हूँ कि कौन सा आप इसको अगर अल्कोहल में रिड्यूस करना है तो आपको कौन सा रिएजेंट चाहिए, या तो आपको प्रोडक्ट पूछते हैं, जैसे मैंने क्वेश्चन पूछा था कि आपको इसमें चेंज करना है, क्वेश्चन था कि आपके पास कोई अल्कोहल है एल्डिहाइड में चेंज करना है तो आप कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लोगे, तो आपको एजेंट्स के बारे में भी पता होना चाहिए। अगर आपको नेम ही नहीं पता होगा एजेंट्स का तो आप टिक मार्क कैसे करोगे, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि इस एल्डिहाइड को अल्कोहल में चेंज करना है और जितने कार्बन का एल्डिहाइड है उतने ही कार्बन का अल्कोहल बनेगा, तब तो आपका रिएजेंट अलग है, तब रिड्यूसिंग एजेंट है। अगर कार्बन एटम बढ़ते जा रहे हैं तब रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है, तब गिग्नार्ड रिएजेंट है बीच में, समझ आ रही है? जितने नंबर ऑफ एल्डिहाइड जितने नंबर ऑफ कीटोन हो उतने नंबर वाला अल्कोहल बने,
तब आपका रिड्यूसिंग एजेंट है, और रिड्यूसिंग एजेंट कुछ भी हो सकता है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, या कोई आपको डी ब्लॉक का एज अ कैटलिस्ट जो आपकी ट्रांजिशन स्टेट चेंज कर सके वो आपका लिखा होगा, वो निकल, पैलाडियम और प्लेटिनम होते हैं। ठीक है, अब रिडक्शन क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब आप देखो अगर इसमें मैं हाइड्रोजन ऐड कर दूं तो इसकी रिडक्शन होगी, तो ये क्या बना, CH3CH2, तो मींस यहाँ पे एक हाइड्रोजन ऐड हुई, एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड हुई, तो ये डबल बॉन्ड चला गया ना, एडिशन करवाई है आपने, तभी एल्डिहाइड से आपका अल्कोहल बना। समझ आ रही है, एक तो रिड्यूसिंग एजेंट। अच्छा अगर आपके पास एसीटोन हो तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, अब बताओ, अगर एसीटोन हो इसमें रिड्यूसिंग एजेंट डाल दोगे तब क्या प्रोडक्ट बनेगा, फिनोल फिनोल का बनेगा, एसीटोन क्या है, तभी तो मैंने ऐसे पूछा, व्हाट इज एसीटोन, प्रोपेन टू ऑन से प्रोपेन टू ऑल बनेगा, दैट इज प्रोपेन टू ऑन एसीटोन, थ्री कार्बन कीटोन। आपने प्रोपेनॉल कहा था, तो दैट इज कीटोन, इससे प्रोपेनॉल बन गया टू वाला, गॉट इट। अच्छा अगर आपके पास आपको कोई एसिड दे दे, अब उसकी रिडक्शन करने को बोले तब क्या बनाओगे, एसिड। मान लो मैंने आपको दे दिया अगेन एसिडिक एसिड CH3COH, अब मैंने बोला कि इसमें आपने लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेट डाल दिया, तो आपका प्रोडक्ट क्या है, तब भी अल्कोहल है। ये दोनों इतने स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है कि ये एल्डिहाइड स्टेज तक रोकते ही नहीं है, तब ये अल्कोहल्स बना देते हैं फिर से। समझ आ रही है, एसिड देखो ये एसिड है, मान लो ये एसिड है, ये इससे एल्डिहाइड बनता है, अब इसको समझो, ये इससे अल्कोहल बनता है। अब तीनों में फर्क देखो क्या है, इधर से यहां गया एक ओ कम हो गया, इसका मतलब इसकी क्या हुई, रिडक्शन, ओ ही कम हुआ है, इधर से इधर गया तो दो एच बढ़ गए, तो इसकी भी क्या हुई है, रिडक्शन। तो ये जो यहां से एसिड से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से अल्कोहल बनने वाला प्रोसेस क्या हो गया, एक रिडक्शन वाला प्रोसेस हुआ कि नहीं हुआ। अगर हम स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट डाल देंगे इस स्टेज पे रुकेगा ही नहीं, अगर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेट डाल दिया तो ये तो पहले इसमें चेंज होगा फिर ये इसमें चेंज हो जाएगा। समझ आ रही है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके पास इथाइल इथेनोएट है, अब आपके क्या प्रोडक्ट बनेंगे आफ्टर रिडक्शन, सोचो, ऐसे क्वेश्चन आने पेपर में। हाँ यू हैव इथाइल इथेनोएट, व्हाट इज इथाइल इथेनोएट, फर्स्ट उसे कहते हैं एस्टर्स, जिसके पीछे ओ एट आ जाए, ओ एट, उसको कहते हैं एस्टर्स। और एस्टर्स कैसे बनते हैं, एक अल्कोहल से और एक एसिड से, ठीक है, एक अल्कोहल से एक एस्टर से। जब मैंने इथाइल बोला तो आपने, ये इथाइल है, दिस इज इथाइल, दिस इज इथाइल, दिस इज इथेनोएट, ये इथाइल कहां से आया, देखो ये इथाइल कहां से आया, ये इस इथेनॉल से आया, ये इथेनोइड कहां से आया, ये इथेनोइक एसिड से आया, तो क्या बन गया, ये इथाइल है, ये इथाइल है। अब इसमें से आपने क्या निकाला है, एच, इसमें से क्या निकाला है, ओ एच, तो बाकी क्या बचा, CH3, इसमें से वाटर रिमूव होता है, बाकी क्या बचा, CH3CO,
और इधर से क्या बचा, OC2H5, तो ये क्या बना CH2 5O, CH3 C डबल बॉन्ड, तो ये क्या बनेगा इथाइल इथेनोएट। अगर मैं बोलूं इथाइल प्रोपेनोएट तो आपका इसका मतलब क्या है, एक इथेनॉल है एक प्रोपेनोइक एसिड से बना। अगर मैं बोलूं इथाइल ब्यूटेनोएट, अगर मैं बोलूं मिथाइल इथेनोएट, तो मिथाइल यहां आ जाएगा CH3, यहां पे क्या आ जाएगा इथेनोएट। जो मिथाइल इथाइल प्रोपाइल बोलते हैं वो अल्कोहल से आता है, और जिसके पीछे ओएट बोलते हो वो एसिड से आता है। समझ आ रही है? अच्छा, अगर इनको वापिस से तोड़ दिया जाए तो ये बनेंगे। अगर ये इससे बना है, अगर मैं इसको वापिस से वाटर दे दूंगी तो वापिस से ये बन जाएगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। अब इसकी मैं आगे रिडक्शन करवा दूं तो मुझे क्या मिलेगा, इथेनॉल तो पहले ही है तो एक तो इथेनॉल बनेगा ही बनेगा। 2 कार्बन वाला एसिड कौन क्या देगा हमें, कौन सा अल्कोहल देगा, इथेनॉल। मीन्स इथाइल इथेनोएट से हमें 2 मोल्स ऑफ इथेनॉल मिले अल्टीमेटली। यू आर गेटिंग 2 मोल्स ऑफ इथेनॉल। एक इथेनॉल जो पहले बना हुआ है, एक जो इथेनोइक एसिड इथेनॉल बनेगा। समझ आई बात? अब अच्छा, इन द सेम वे अगर आपके पास मिथाइल मिथेनोएट होता तो आपको अगर आप इसकी रिडक्शन करवाते तो क्या मिलता, 2 मोल्स ऑफ मिथेनॉल। अगर आपके पास मिथाइल प्रोपेनोएट होता तो आपके पास क्या मिलता, एक मिथाइल को अलग कर दो तो वो क्या बन जाएगा मिथेनॉल, एक प्रोपेनोएट तो क्या बन जाएगा प्रोपेनॉल। समझ आ गई? अच्छा, अगर आपके पास प्रोपाइल प्रोपेनोएट हो तो क्या बनेगा, 2 मोल्स ऑफ प्रोपेनॉल। ये प्रोपाइल ने भी प्रोपेनॉल देना है, प्रोपेनोएट ने भी प्रोपेनॉल देना है। अब मैंने इथाइल इथेनोएट बोला, वो इथाइल एसिटेट भी बोल सकते हैं, बात तो सेम ही है। फिर क्यों एसिटोन, इथाइल इथेनोएट और इथाइल एसिटेट एक ही बात है। इथेनोएट का मतलब क्या है, इथेनोइक एसिड से आया है, एसिटेट कॉमन नेम आ जाता है, हम कहते हैं एसिडिक एसिड से आया है। समझ आ रही है? अच्छा, मिथाइल फॉर्मेट क्या होता है, फॉर्मिक एसिड है, तो इसको बोलोगे जो मिथाइल मिथेनोएट है वही मिथाइल फॉर्मेट है। फॉर्मिक एसिड क्या है, मिथेनोइक एसिड ही है, तो जो फॉर्मेट है वही मिथेनोएट है। अच्छा, अब आपके पास फॉर्मेल्डिहाइड है। अब तो मैंने ये एल्डिहाइड एसिड और एस्टर्स की बात कर ली, एल्डिहाइड एसिड और एस्टर तीनों की रिडक्शन करो तो आपको क्या मिलेंगे, अल्कोहल मिलेंगे। और अल्कोहल कौन से मिलेंगे, सेम कार्बन एटम वाले। वो अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम करो, वो अपनी जॉब कर रहे हैं, आप अपनी जॉब करो, यू आर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आपके पास, अब फिर से लिखो, आपके पास फॉर्मेल्डिहाइड है, मान लो एक एसिटाल्डिहाइड है और एक एसीटोन है। पहले स्ट्रक्चर बनाओ, पहले फॉर्मेल्डिहाइड एसिटाल्डिहाइड और एसीटोन, हरी अप। देखो बेटे, फॉर्मेल्डिहाइड है आपके पास, ये पक्का क्वेश्चन आता है। ये वाली प्रिपरेशन में एक तो हाइड्रेशन की वाली जो आपने करी है उसमें कोई ना कोई क्वेश्चन होता है एग्जाम में, और एक ये वाली पे होता है। एक आपके पास एसिटाल्डिहाइड है, ये क्या है फॉर्मेल्डिहाइड, ये क्या है एसिटाल्डिहाइड, और ये क्या है एसीटोन, ठीक है। अब फॉर्मेल्डिहाइड का कॉमन नेम क्या है, अर्जुन बनो अर्जुन, इसको मिथेनॉल बोलोगे, इसको क्या बोलोगे इथेनॉल, इसको क्या बोलोगे
प्रोपेनॉन, ठीक है, अगर इसको गिगनार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करें, अच्छा अब मैंने यहां पे गिगनार्ड रिएजेंट डाल दिया, अब एग्जाम में नहीं डाल के देंगे, कभी कभी एग्जाम में आपको एरो के ऊपर गिगनार्ड रिएजेंट सीधा डाल के नहीं देते, कभी कभी आपको जैसे मान लो मिथाइल क्लोराइड प्लस मैग्नीशियम लिखा होगा, समझ आ रही है, जब इन दोनों को प्लस करोगे तो यही रिजल्ट आएगा, अब ये तो सीधा लिख दिया हमने क्योंकि उन्होंने घुमा के डालना है, आपने हेलो एल्केन्स भी स्टडी करी हुई है तो आपने उन्होंने करना है क्या है CH3Cl plus Mg reacted with magnesium in presence of methyl chloride, तो आपका अल्टीमेटली क्या बना, गिगनार्ड रिएजेंट ही बना, जैसे मर्जी बन सकती है। अब इसी पे मैं एक और क्वेश्चन बना दूं कि गिगनार्ड जो ये चीज बनती है इसे एनहाइड्रस कंडीशन में बनाया जाता है, इसी क्वेश्चन को यहाँ पे मैं ये भी क्वेश्चन पूछ लूं, टाइम हमारे पास बहुत कम है, अगर ये चीज बनाई जाती है ना जो ये गिगनार्ड रिएजेंट, वो हमेशा एनहाइड्रस कंडीशन पे बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है, क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन्स बना लेता है, अगर ये गिगनार्ड रिएजेंट बन गया और अगर आप इसको वाटर दे दोगे तो वाटर का जो एच है वो इसके पास पहुंच जाएगा और ये मिथेन बन जाएगा, हाँ तो MgOHCl बन जाएगा और साथ में क्या बन जाएगा, मिथेन। तो गिगनार्ड रिएजेंट को हमेशा किस कंडीशन में बनाया जाता है, एनहाइड्रस। अब इसमें एक क्वेश्चन और पूछ सकते हैं ये कि अगर आपका गिगनार्ड रिएजेंट को कोई भी गिगनार्ड रिएजेंट का नेम देंगे, ये तो मिथाइल है ना, हमेशा मिथाइल नहीं होता, इट कैन बी इथाइल, इट कैन बी प्रोपाइल, कुछ भी, गिगनार्ड रिएजेंट का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ ये ही दुनिया में गिगनार्ड रिएजेंट है, गिगनार्ड रिएजेंट का मतलब है आपका आर कुछ भी हो सकता है, आपका हैलोजन कुछ भी हो सकता है, आर कैन बी इथाइल, आर कैन बी प्रोपाइल, आर कैन बी ब्यूटाइल, एंड यहाँ पे सीएल भी हो सकता है, यहाँ पे बीआर भी हो सकता है, यहाँ पे आयोडीन भी हो सकता है, ना